मेरा ना से हर था। हेलो गाइस, मेरा नाम विनय और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल विनय एडिटिंग में स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं कुछ इस तरह का रील्स एडिटिंग जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा। तो अभी के समय में कुछ इस तरह का रील्स इंस्टाग्राम में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है गाइस। तो आप लोग भी कुछ इस तरह का रील्स क्रिएट करना चाहते हैं और किसी भी सोशल मीडिया में अपलोड करके व्यू लाना चाहते हैं तो वीडियो पूरे एंड तक देखना, एकदम इसी स्टेप में बताने वाला हूँ। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो गाइस, चलते हैं आज की इस नई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसके लिए हम कैपकट एप्लीकेशन का यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे इंडिया में बैन हो गए इसलिए आपको ये प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा। तो गाइस, मैं इस एप्लीकेशन को अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ सब्सक्राइब कर लेना और इसको डाउनलोड करके यूज़ कर लेना। तो गाइस, इसको यूज़ करने के लिए हमें एक VPN का भी ज़रूरत पड़ने वाला है। इसके लिए मैं सुपर VPN का यूज़ करने वाला हूँ। तो ये वाला VPN प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, आप इसको वहाँ से इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद गाइस हमें सुपर VPN को ओपन कर लेना है। सुपर VPN को ओपन करने पर कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, हमें यहाँ जो कनेक्ट लिखा हुआ है इस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो गाइस, हमारा थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद गाइस हमारा VPN कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइस, हमारा VPN कनेक्ट हो गया है। तो VPN कनेक्ट हो जाने के बाद गाइस इसको हमें यहाँ से बैक कर लेना है। उसके बाद गाइस हमें कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो गाइस, कैपकट एप्लीकेशन में आ जाने के बाद हमें यहाँ न्यू प्रोजेक्ट में चले जाना है। उसके बाद गाइस हमें यहाँ से अपने वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है जिसका हम रील्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट हो जाने के बाद गाइस हमें ऐड पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा वीडियो ऐड हो जाएगा। तो गाइस, ऐड हो जाने के बाद हमें यहाँ लास्ट में चले जाना है और यहाँ में जो ब्लैक कलर का वाटर मार्क दिखाई दे रहा है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेना है। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद इसमें हमें अब म्यूजिक ऐड करना है। तो उसके लिए गाइस हमें ऐड ऑडियो में चले जाना है और यहाँ से मैं साउंड वाले ऑप्शन में जाकर हमें यहाँ से म्यूजिक ऐड कर लेना है। तो गाइस, मैं इस म्यूजिक को भी अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, आप इसको भी वहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर लेना। तो गाइस, मैं इसको यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस, हमारा म्यूजिक ऐड हो गया, आप यहाँ से देख सकते हो। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद इसमें हमें म्यूजिक बीट को मार कर लेना है। तो उसके लिए गाइस आप इसको ठीक से सुन लेना और नीचे में हमें जो मेड चिकट वाला ऑप्शन होगा इस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो गाइस, इसको हमें क्लिक करके अपने बीट को मार कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लेना। तो गाइस, हमारा दोनों बीट मार्क हो गया है। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट बच गया उसको मैं यहाँ से ट्रिम कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हम जहाँ जहाँ पे म्यूजिक बीट को मार के हमें वहाँ पे चले जाना है और वीडियो को हमें यहाँ पे जाके स्प्लिट कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लेना। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद इसमें हमें इफेक्ट ऐड करना है। तो उसके लिए गाइस हमें इफेक्ट में चले जाना है और यहाँ से हमें वीडियो इफेक्ट में चले जाना है। उसके बाद गाइस हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग में चले जाना है। तो गाइस, हमें यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो हमें यहाँ से डायमंड जूम को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस हमें यहाँ एडजस्ट में चले जाना है और इसके इंटेंसिटी को हमें यहाँ से फुल कर लेना है। उसके बाद गाइस इसकी स्पीड को हमें यहाँ से जीरो कर लेना है। उसके बाद इसको हमें यहाँ से राइट कर लेना है। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद इसके लेंथ को हमें बढ़ा के फर्स्ट बीट तक रख लेना है। तो मैं इसको यहाँ से रख लेता हूँ। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हमें यहाँ नेक्स्ट वाले पार्ट में चले जाना है। उसके बाद गाइस हमें यहाँ से बॉडी इफेक्ट में चले जाना है। उसके बाद गाइस हमें यहाँ से फ्रेम वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से हमें सेकंड वाले को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस हमें फिर से एडजस्ट में चले जाना है और इसके स्पीड को हमें थोड़ा सा स्लो कर लेना है। उसके बाद गाइस इसको हमें यहाँ से राइट कर लेना है। तो गाइस, इसके भी लेंथ को हमें सेकंड बीट तक रख लेना है। तो मैं इसको यहाँ से रख लेता हूँ। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हमें फिर से नेक्स्ट वाले पार्ट में चले जाना है। उसके बाद गाइस इसमें भी हमें इफेक्ट ऐड करना है। तो उसके लिए गाइस हमें फिर से बॉडी इफेक्ट में चले जाना है और यहाँ से हमें फिर से फ्रेम वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से हमें फर्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस इसको हमें यहाँ से राइट कर लेना है। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद इसमें हमें एनिमेशन ऐड करना है। तो उसके लिए गाइस हमें सेकंड वाले पार्ट में चले जाना है और नीचे में हमें जो एनिमेशन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइस हमें यहाँ से इन एनिमेशन में चले जाना है। उसके बाद गाइस हमें यहाँ से स्विंग बटन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसको हमें यहाँ से राइट कर लेना है। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हमें फिर से नेक्स्ट वाले पार्ट में चले जाना है और फिर से हमें एनिमेशन में चले जाना है। उसके बाद गाइस हमें फिर से इन एनिमेशन में चले जाना है और यहाँ से हमें फिर से स्विंग बटन को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लेना। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद इसको हमें यहाँ से राइट कर लेना है। तो गाइस, हमारा एडिटिंग कंप्लीट हो गया। इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। मेरा ना, मेरा ना।
तो गाइस वीडियो रेडी हो जाने के बाद हमें यहाँ ऊपर की ओर जो एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक करके अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो वैसे हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है, आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे ही हमारा 100% कंप्लीट हो जाएगा हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो गाइस जैसे कि हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो गया तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।